प्रिय लक्ष्मी, ये आज तुम्हें शिव भक्ति का विचार कैसे आया? महाप्रभु, आपको ध्यान मग्न देख मैं संसार भ्रमण के लिए चली गई। संपूर्ण जगत में जहां भी देखो शिव की महिमा ही छाई हुई है। शिव की पूजा, शिव का नाम स्मरण, शिव के मंत्रों का जाप, सोचा मैं ही इससे विलक्षण रहूं। मैं भी ओम नमः शिवाय मंत्र के जाप का आनंद ले लूं। उत्तम, अति उत्तम। सुख और शांति प्राप्त करने के लिए शिव भक्ति से बढ़कर अन्य कोई उपाय नहीं। इस नाम में सृष्टि की धड़कन है और सृष्टि धड़कन को लयबद्ध करने वाले भी स्वयं सदाशिव ही हैं। शिव सर्वत्र है, शिव सर्वज्ञ है और शिव भक्तों का सर्वस्व भी है। ये आप कह रहे हैं प्रभु? आप जो जगदीश्वर हैं, विश्व के पालन करता हैं। मैं जगदीश्वर और सृष्टि का पालन करता अवश्य हूँ, किंतु सदाशिव के इच्छा अनुसार ही मैं अपना कर्तव्य पालन कर रहा हूँ। मैं और ब्रह्मा दोनों ही उनकी कामना के फल हैं। ये शाश्वत सत्य है कि सदाशिव ही सृष्टि के सृजक, पालक और संहारक हैं। जिस प्रकार शिव की इच्छा से ही समुद्र मंथन हुआ, तुम्हारी उत्पत्ति हुई और तुम मुझे पति रूप में प्राप्त कर सकी। जन जन को धन वैभव की प्राप्ति तुम्हारी ही कृपा से होगी। उसी प्रकार कोई भी भक्त मेरी आराधना करते हुए शिव की स्तुति नहीं करेगा, उसे मेरी कृपा और प्रेम कभी भी प्राप्त नहीं होगा। आपके मुख कमल से शिव महिमा सुनकर मेरा जीवन सफल हो गया। मैं सदा पत्नी धर्म का पालन करूंगी, आपका नाम स्मरण करूंगी, जैसे आपके परम भक्त नारद करते हैं। नारायण 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 नारायण। प्रणाम परमपिता, आपने मेरा स्मरण किया? हाँ, इस हेतु कि मेरा यह मानस पुत्र आदेशित कार्यों को नाद एवं प्रकाश से भी बढ़कर त्वरित गति से करता है। तुम देवलोक के दूर संचालक। नारायण नारायण, सब नारायण की कृपा, मेरी प्रशंसा तो हो चुकी, अब कार्यादेश भी दे दे तो उचित होगा। हे नारायण, तुम उस क्षण के स्वयं साक्षी हो जब समुद्र मंथन से विष निकला, हाहाकार मच गया। विष के प्रभाव से सारी सृष्टि को बचाने के लिए करुणा सागर शिव हलाल पार करके नीलकरण कहलाए। भगवान शिव के भक्त वत्सल, उन्होंने अपने भक्तों को ही नहीं, जन जन को, सभी जीवित प्राणियों को विष के कुप्रभाव से बचाने के लिए हलाहल पान किया। यदि वे हलाहल पान न करते तो आज सृष्टि का अस्तित्व ही न होता। ये तो सत्य, किंतु सदाशिव के हलाल पान के पूर्व ही पर्याप्त विष वातावरण में घुल मिल गया था। प्रदूषण के चिन्ह यहां वहां वातावरण में दृष्टि को गोचर भी हो रहे हैं। प्रकृति और जीवों की सुरक्षा के दृष्टिकोण से इस प्रदूषण को मिटाना अति आवश्यक है। यही सोचकर मैंने एक महान यज्ञ का आयोजन किया। ये यज्ञ कहां संपन्न होगा? यह यज्ञ प्रयाग की पवित्र भूमि पर होगा। इसमें भाग लेने के लिए सभी देवी देवताओं और ऋषि मुनियों को आमंत्रित करने की मेरी अभिलाषा है और आमंत्रण देने का महत्वपूर्ण कार्य मैं तुम्हें सौंपता हूं। हे परमपिता, इतने महत्वपूर्ण कार्य का इस अकिंचन नारद को सौंपना ये दर्शाता है कि आपके मन में मेरे प्रति कितनी कृपा और स्नेह है। आपके इस स्नेह और कृपा का मैं सदा के लिए आभारी हूं। इसमें आभार की कोई आवश्यकता नहीं है। महत्वपूर्ण कार्य हमें तुम्हें सौंपा है, क्योंकि श्री हरि कृष्ण के
परम भक्त होने के नाते तुम सबके प्रिय हो, तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुम इतने वाक पटु एवं चतुर हो कि कठिन से कठिन कार्य भी सहजता से पूर्ण कर देते। सब आपके आशीर्वाद का परिणाम है परम पिता, अब मुझे आज्ञा दे। आज तुमने यहाँ आने में शिवगणों का नेतृत्व नहीं किया। स्वामी, आपके चिंतन में ऐसा खोई थी कि समय का ध्यान नहीं रहा। मैं क्षमा चाहती हूँ। जब हमारे चिंतन कर रही थी तो उसमें क्षमा की कोई आवश्यकता नहीं। हे प्रभु शिवशंकर, आज आपसे पूछने की कुछ मन में जिज्ञासा क्या है? जिज्ञासा का समाधान अवश्य होगा। पूछो, क्या पूछने के इच्छुक हो? अभी अभी माता सती ने कहा कि वो आपका चिंतन कर रही है। आप तो सदा समाधि में लीन रहते हैं, क्या आप भी उसी का ध्यान कर रहे थे जिसका चिंतन माता कर रही थी? नंदी के इस प्रश्न का उत्तर तुम ही दो सती। संसार के सभी प्रश्नों का उत्तर तो आपके पास है प्रभु, मैं तो केवल आपका चिंतन कर रही थी। आप किसके ध्यान में खोए रहते हैं इसका मुझे ज्ञान नहीं। तो नंदी को ये बता दो कि तुम मेरा चिंतन कैसे कर रही थी, किस प्रकार से तुम अपने मन में मुझे निहार रही। स्वामी, आपने मुझे बताया था कि शिव और शक्ति अभिन्न है और मैं स्वयं शक्ति का अवतार हूँ, परंतु परंतु क्या देवी, क्या तुम्हें मेरे कथन पर संदेह है? आपकी बातों पर संदेह कैसा है? मेरे मन में भी वही प्रश्न जागा था जो नंदी के मन में जागा है। प्रभु, जब मैं स्वयं आपके पास हूँ तो आप आंखें बंद करके किसका ध्यान करते रहते हैं? हाँ भोलेनाथ, माता वही पूछ रही हैं जो मैं पूछने का इच्छुक हूँ। नंदी, सती, जब हमारी आंखें बंद होती हैं तब हमारे सम्मुख होती है सदाशिव की ज्योति। वो ज्योति जो सृष्टि का निर्माण और संहार करती है, यही ज्योति शिव ज्योति के नाम से भी जानी जाती है तथा ब्रह्म ज्योति के नाम से भी प्रसिद्ध है। परमात्मा की उसी उज्जवल ज्योति का ध्यान योगी जन करते हैं। नारायण नारायण। हे महेश्वर, माता सती, नारद का प्रणाम स्वीकार हो। आओ नारद, अधिक समय के पश्चात दर्शन किए। हे महेश्वर, क्षमा कीजिए, आपकी इच्छा के बिना मैं आपके दर्शन के लिए कैसे आ सकता हूँ? आज आपने मेरा स्मरण किया और मैं आपकी सेवा में उपस्थित हूँ। देवर्षि, आज प्रभु ने आपका स्मरण किया। देवी सती, नारद की शब्द शैली से भ्रमित होकर सुनने वाला सोचता ही रह जाता है। महेश्वर, ये आप मेरी निंदा कर रहे हैं या प्रशंसा, मैं समझ नहीं पाया। हम तो सदा तुम्हारी प्रशंसा ही करते हैं नारद। अब बताओ, यहाँ किस विशेष उद्देश्य से पधारे हो? महेश्वर, इस समय तो मैं परम पिता ब्रह्मा जी का दूत बनकर आया हूँ। नारायण नारायण। ब्रह्मदेव की दूत? हाँ माता, परम पिता ब्रह्मा जी ने निश्चय किया है कि समुद्र मंथन से होने वाले प्रदूषण से मुक्ति हेतु एक महायज्ञ का आयोजन किया जाए। अति उत्तम विचार है ब्रह्मदेव का। कहाँ होने जा रहा है ये महान यज्ञ? प्रयाग की धर्म भूमि पर परमपिता ब्रह्मा जी ने यज्ञ हेतु आपको सादर निमंत्रण भेजा है।
हम अवश्य उस धर्म यज्ञ में सम्मिलित होंगे। आपकी स्वीकृति से मैं धन्य हुआ। अब मुझे आज्ञा दो। देवर्षि, आप इतना शीघ्र जाने की क्यों सोच रहे हैं? जब नारद का उद्देश्य पूर्ण हो जाता है तो वो एक पल भी कहीं नहीं रुकते। शिव 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 शिव, ऐसी बात नहीं है प्रभु। यदि आपकी इच्छा हो तो मैं आपके चरणों में बैठा रहूंगा, परंतु अभी परंतु कैसा? परंतु इस समय मुझे कई महानुभवों को प्रयाग यज्ञ का निमंत्रण देने के लिए जाना है। परम पिता ब्रह्मा जी की आज्ञा है कि ये कार्य मैं शीघ्र अति शीघ्र संपन्न करूं। तो इस शुभ कार्य से हम तुम्हें रोकेंगे नहीं। जाओ, तुम्हारा कल्याण हो। यदि आज्ञा हो तो कुछ पूछो। क्या अब भी कोई प्रश्न शेष रह गया है? स्वामी, क्या प्रयाग यज्ञ में मैं भी आपके साथ सम्मिलित हो सकती हूँ? एक ओर महायज्ञ, दूसरी ओर पुण्य स्थली का तरस परस, दो दो पुण्य के कार्य एक ही साथ हो जाएंगे स्वामी। नहीं देवी, बिना निमंत्रण कहीं जाना उचित नहीं। यदि उचित समझते तो ब्रह्मदेव अवश्य संदेश भेजते। पिता ब्रह्मदेव ने इस यज्ञ के लिए भोलेनाथ के साथ मुझे निमंत्रण क्यों नहीं भेजा? क्या मैं इस योग्य भी नहीं कि इस महान यज्ञ में सम्मिलित हो सकूं? ओम पराय परम तत्वाय स्वाहा, ओम पराय परम तत्वाय स्वाहा, ओम पराय परमात्मने स्वाहा, ओम पराय परमात्मने स्वाहा, ओम पराय परमात्मने स्वाहा, ओम पराय परमात्मने स्वाहा। व्यक्तियों ने मुझे आदर देने हेतु अपने मस्तक झुकाकर मुझे प्रणाम किया, किंतु तुमने मेरे अपने जमाता होते हुए भी मेरी ओर देखा तक नहीं। राजन, मैं इस पवित्र प्रयोजन में यज्ञ अग्नि की ओर देख रहा था, जो किसी भी व्यक्ति विशेष से अधिक वंदनीय है। असत्य, अब तुम इस योग के ही नहीं रह गए हो कि इस यज्ञ की पवित्र अग्नि को अपनी आंखों से भी स्पर्श कर सको। भूतों पिशाचों से सेवित होकर तुम्हारे वेदों कर्म लुप्त हो चुके हैं। अब तुम मात्र शास्त्र विधि की अवहेलना और नीति मार्ग को कलंकित करने वाले पाखंडी, दुष्ट और पापाचारी पुरुष मात्र रह गए हो। मैं तुझे श्राप देता हूँ, शमशान में निवास करने वाले उत्तम कुल और जन से इन शिव शंकर को इस यज्ञ से भस्म कर दिया जाए और देवताओं के साथ इसे यज्ञ का कोई भी भाग न दिया जाए। अरे महामूर्ख दुष्ट बुद्धि दक्ष, तुमने भगवान भोलेनाथ को यज्ञ से बहिष्कृत कर दिया। इनके स्मरण करने से यज्ञ सफल हो जाते हैं और तीर्थ पवित्र हो जाते हैं। ओ अधर्म ब्राह्मण नीच, तुमने इनका अपमान कर दिया है जो सृष्टि के रचयिता हैं, जो पालन करता है और एक दिन संहार करता भी होंगे। हे शिवगणों, तुम सबके सब इस यज्ञ से बहिष्कृत हो जाओ। तुम सबके सब नीच और पाखंडी हो। सिर पर जटा, शरीर पर फस्त, हड्डियों के आभूषण पहने फस्त। तुम मद्यपान में आसक्त रहो, ये मेरा श्राप है, श्राप है। ओ मूर्ख दक्ष, मुझे शिव तत्वों का तनिक भी ज्ञान नहीं। तुझ जैसे अहंकारियों ने ही महेश्वर का उपहास किया है, इसीलिए शिव तेज के प्रभाव से मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तुझ जैसा ब्राह्मण वेद ज्ञान से वंचित हो जाए, तू तत्व ज्ञान से विमुख हो जाए और तेरा मुख पशु समान हो जाए। नहीं, तुम्हें इस प्रकार क्रोधित नहीं होना चाहिए। तुमने व्यर्थ ही ब्राह्मण कुल को शाप दे डाला। जहां तक मेरा प्रश्न है, मुझे तो किसी भी प्रकार का कोई शाप छू भी नहीं सकता। तुम तो ज्ञानी हो नंदी, सनकादिक ऋषियों को तत्व ज्ञान का उपदेश भी तो तुम्ही ने दिया था। अतः अब शांत हो जाओ और निश्चिंत भी।
तुम्हारे आराध्य का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं तो यज्ञ हूं, मैं ही यज्ञ कर्म हूं, यज्ञों का अंगभूत उपकरण हूं, यज्ञ की आत्मा भी मैं ही हूं, यज्ञ परायण यजमान और यज्ञ से बहिष्कृत भी मैं ही हूं। चलो हम कैलाश लौट चलें। यज्ञ पूर्ण करो। इतना सब कुछ हो जाने के उपरांत इस यज्ञ का आरती क्या रह गया पिताश्री? मेरा चित यहाँ से हट चुका है। दक्ष, पुत्र दक्ष, दलित सुनो। चराचर जगतपति शिव शंकर का अपमान करके पुत्र दक्ष ने उचित नहीं किया। अकारण क्रोध का परिणाम अच्छा नहीं होता।